हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5 कलर लिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से कलर लगा सकती हैं, जो भी आपके पास बचे हुए कलर हैं सभी को आप लगा सकती हैं। तो हम ये बहुत आसान तरीके से आपको एक नए डिज़ाइन का डोरमेट बताएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर 9 नंबर सिलाई ली है और आप उसे पुरानी चुनी और साड़ी से भी बना सकती हैं। तो चलिए हम आपको वूल में बता रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले 4 फंदे डालूँगी, आप कोई भी कलर के फंदे डाल लें इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे हमने 4 फंदे डाल लिए हैं और इसके बाद हम यहाँ पे 4 फंदों की तीन सलाइयाँ बना लेंगे। ये देखिए, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। आपको हम छोटा ही बता रहे हैं, आप इसमें अपने हिसाब से बड़ा बना लें। ये देखिए, यहाँ पे मैं 3 सलाइयाँ बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 सलाइयाँ बना ली है, 1, 2, 3, 4 फंदों की 3 सलाइयाँ बनाई हुई हैं और यहाँ पे हम वाइट कलर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमने वाइट कलर को लगा लिया है उल्टी तरफ से। अब ये देखिए, यहाँ पे हम 3 फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से। देखिए, 1, 2, 3, तो यहाँ पे मैं 3 फंदे बढ़ा ली और इस सिलाई को हम सीधा इस तरह से बना के इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 3 फंदे बढ़ाए हुए हैं। अब इस साइड हम उल्टी साइड से यहाँ पे 3 फंदे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, दोनों साइड हमने 3-3 फंदे इस तरह से बढ़ाने हैं और 3-3 सिलाइयाँ हमने बनाते हुए जाना है, यानी कि दोनों तरफ से 6 सिलाइयाँ। इसे आप पुरानी चुन्नी साड़ी से भी बना सकती हैं और बहुत आसान है बनाने में। ये देखिए, तो यहाँ पे हम 6 फंदे बढ़ा लिए। अब यहाँ पे हम 3 सिलाइयाँ इसी तरह से बना लेंगे। 3 सिलाइयाँ बनाते हुए हमने फिर से कलर दूसरा लगाना है इसमें। मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ वाइट की बना ली हैं और यहाँ पे हमने फिर दूसरा कलर लगाना है और आप कोई भी अपनी पसंद का कलर इसमें लगा सकती हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से उल्टी सिलाई पे, तो हमने ये देखिए ध्यान से, आप उल्टी सिलाई पे, तो हमने इसी तरह से एक सिलाई पे कलर को इस तरह से लगाना है। अब जब हम सीधी सिलाई पे आएंगे तो 3 फंदे हम बढ़ाएंगे। सीधी सिलाई बना के हमने उल्टी सिलाई पे आना है, तो फिर दूसरी साइड हमने 3 फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, 2, 3, इस तरह से मुझे फंदे बढ़ाने हैं। अब ये सिलाई हम बना के आते हैं उल्टी सिलाई पे, फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम इसको इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए बना लेते हैं और फिर इसको इसी तरह से हमने घटाना है। तो चलिए, मैं आप इसको बना के इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। जहाँ तक हमने फंदे बढ़ाने, जितना बड़ा भी आपको चाहिए आप उसी तरह से बनाते हुए जाएं और
फंदे बढ़ाते हुए जाएं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने तीन तीन सिलाइयाँ सभी कलर की बना ली हैं और यहाँ पे हमने ये पर्पल कलर लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने जिस तरह से फंदे बढ़ाए हैं उसी तरह से हमने ये देखिए यहाँ से, ये देखिए, अगर आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप इससे भी बड़ा बना सकती हैं और फंदे बढ़ाते हुए और सिलाइयाँ बढ़ाते हुए। ये देखिए यहाँ से मैं अब जिस तरह से हमने, ये देखिए यहाँ पे हम, ये देखिए एक फंदा हम घटा दिए, दूसरा फंदा हम घटा दिए और ये तीसरा फंदा हम घटा दिए। अब आगे हम उसी तरह से दोनों साइड से हम फंदे घटाते हुए जाएंगे और तीन सिलाइयाँ बनाते हुए जाएंगे इसी तरह से। ये देखिए तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है और इस साइड भी मुझे इसी तरह से, ये देखिए एक एक दो और ये तीन, तीन फंदे हमने घटा दिए हैं। अब तीन सिलाइयाँ हमने बनानी है यहाँ पे वाइट कलर की, फिर इसके बाद दूसरा कलर लगाना है और तीन तीन फंदे दोनों साइड घटाने हैं। इस तरह से ही जिस तरह से हमने ये नीचे बढ़ाए हुए उसी तरह सेम हम घटाते हुए जाएंगे। तो हम यहाँ पे ऊपर को इसी तरह से बना के इसको कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। बिल्कुल आसान है बनाने में, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जिस तरह से फंदे बढ़ाए थे उसी तरह हमने यहाँ पे कम किए हैं तीन तीन फंदे। तो देखिए मैं यहाँ पे लास्ट का आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम जो हमने शुरुआत में कलर लगाया था वही कलर हम एंड में लगा रहे हैं। ये देखिए, वापस हमारे इसमें घटाने के बाद चार फंदे ही रह जाएंगे, तो चार फंदों को हम एक साथ बंद कर देंगे उनको। ये देखिए तो यहाँ पे हम, ये देखिए एक दो और ये तीन, एक दो चार और यहाँ पे ये देखिए ये तीन फंदे भी हम इस साइड से घटा देंगे। ये देखिए एक दो ये देखिए तीन, तो यहाँ पे ये चार फंदे ही रह गए हैं जिस तरह से हमने डाले थे उसी तरह से। ये देखिए अब ये चार फंदे हम इनको तीन सिलाइयाँ बना लेते हैं, इसके बाद हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। बंद हमने इसी तरह से करने हैं जिस तरह से हमने आपको ये घटाए हुए बताए हुए हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये डोरमेट बनके कंप्लीट है। ये देखिए उसी तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट किया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहती हैं तो बड़ा भी इसमें बना सकती हैं आप। ये देखिए मैंने इसमें छोटा ही आपको बना करके बताया। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।